आज हम अनगिनत परतों वाली लेयर मठरी बनाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, साथ ही में बहुत ही खस्ता बनेगी। देखिए तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, पूना मैजिक किचन में आप सभी का स्वागत है। बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसे मैंने छान लिया है। चाहो तो आप 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। और ये 4 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी ली है, तो सूजी हमने यहाँ पे बारीक वाली यूज की है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा है उसको कूट लिया है, हल्का सा कूट लेना है। और 1 चम्मच जो काली मिर्च होती है उसे भी दरदरा सा ही कूट लिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल दे, इससे क्या है ना बहुत ही टेस्टी जो हमारी लेयर मठरी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और 2 चम्मच यहाँ पे हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पे मेल्ट किया हुआ देसी घी डालिएगा और उसे अच्छी तरीके से आटे में हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से हम हाथों से मसल लेंगे। और ये देखिए हम इसको जब बाइंड कर लें ना तो थोड़ा सा ये बंध रहा है, ज़्यादा नहीं बंध रहा है, तो बिखर जा रहा है। तो इतना ही हमको इसको मोवन को डालना है। खस्तेपन के लिए आगे हम कुछ करेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के हमें डो लगा लेना है। तो डो को हमें ज़्यादा या सख्त, जैसे हम समोसे कचौरी के लिए आटा लगाते उस तरीके का आटा हमको नहीं लगाना है, और ना तो हमको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमें आटे को लगा लेना है, हमें क्या है उसे गूँथ गूँथ के अच्छा सॉफ्ट बनाना है आटे को। तो ये देखिए इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसको गूँथ लेंगे। तो करीब हमें टोटल आटे को गूँथने में 5 मिनट लग जाएगा। और देखिए इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी यहाँ पे लगा लिया है। अब इसे हम घी लगाने के बाद यहाँ पे 1 मिनट और इसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे। क्या जितना अच्छा आप आटा मसलेंगे ना उतने ही अच्छी जो हमारी लेयर मठरी होगी वो बनेगी। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है और आटे को हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है और यहाँ पे 2 चम्मच जो मैदा होता है ना वो हमने ले लिया, इसकी हम स्लरी बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको एकदम से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे ना तो ये क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा, ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ क्रीमी हो जाएगा। तो अगर घी आपका मेल्ट हो तो उसे आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे वो थोड़ा जम जाएगा। इधर हमारा आटा भी है, उसने देखिए रेस्ट कर लिया है। तो इसमें से हम लोइयां निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम आटे से लोई निकाल ले रहे हैं और ये क्या है इस तरीके से इसको गोल करके पेड़ा बना ले रहे हैं, ये देखिए फ्लैट करके। और इस तरीके से सभी आटों के हम जो लोइयां थी उसके हम पेड़े बना लेते हैं। और ये देखिए सभी पेड़े बन चुके हैं, इसको हम ढक देंगे कि ये सूखे ना। और फिर एक इसमें से पेड़ा लेके इसको हम पूरी के बराबर बेल लेंगे। ये देखिए जितना पतला आप बेल सकते हैं ना उतना बेल लीजिए, क्या है और ये फटेगी नहीं, क्योंकि मैदा है ना तो ये फटेगा ही नहीं। तो इसे क्या है आसानी से इस तरह से उठाते हुए बेलिएगा, जैसे एक बार उठाइएगा फिर रखिएगा फिर बेल लीजिएगा इस तरीके से। देखिए बहुत ही आसान है, लेयर मठरी जो होती है बहुत ही खस्ता बनती है। इस समय त्यौहार का टाइम आ रहा है, दिवाली है, तो इस पर आप लोग बनाइए और इन्जॉय करिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए एक हमारी पूरी बन गई है। इसी तरीके से हम सेम दूसरा भी बना लेंगे पूरी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी पूरी भी बना ली है। तो और ये देखिए तीसरी भी हमें बना लेनी है यहाँ पर, ये देखिए। और इसमें ना बहुत ही सारी लेयर जो है ना निकल के आती है। तो ये देखिए ये हमने देखिए 3 पूरियां यहाँ पे बना ली है। और ये देखिए तो अब चलिए इस पे जो खास ट्रिक है वो हमको अब करनी है। जो सलरी हमने बनाई थी ना वो यहाँ पे हमें लगानी है। तो इसमें हमें क्या है चम्मच वगैरह से लगाएंगे तो अच्छी तरीके से नहीं लगेगी, ना तो किसी ब्रश का इस्तेमाल करना है, हमें उंगली से इसको लगाना है और सभी जगह पे इसको फैला देना है और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देना है। अगर हम इस पे लगे रहने देंगे ना तो उससे हमारी लेयर जो है ना वो खुल के नहीं आएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हटा लेना है और फिर से दूसरी पूरी को रख देना है। अगर रोटी पूरी जो है छोटी हो तो इसको खींच के आप लोग इसके बराबर का कर लीजिएगा और ये फटेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से क्या है दूसरे पे भी हमको स्लरी को आराम से लगा लेना है, बहुत ही आसान है इसको लगाना है। देखिए इस तरीके से स्लरी को हम पूरी पूरियों पर लगा लेंगे और ये देखिए जितनी अच्छी स्लरी लगी होगी ना
उतनी अच्छी परत हमारी निकल के आएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से देखिए, और एक्स्ट्रा जितना होगा ये आप लोग हटा लीजिए। इस तरीके से तीसरे को भी देखिए मैंने ऊपर डाल दिया है, और स्लरी इसके ऊपर से हम लगा लेंगे। ये देखिए तीनों पे स्लरी लग चुकी है। तो अब हमें इसे क्या है ना, टाइट फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स बनाना है इसको। और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा एक्सार कर लेना है, दोनों साइड से इसको इस तरीके से दबा देना है कि बराबर हो जाए। ये देखिए ये पूरा रोल हमारा बन चुका है। तो अब हम आधे इंच पे कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये कितने अच्छे इसमें से पेड़े निकल रहे हैं हमारे। ये देखिए हमें आधे आधे इंच पे ये देखिए, और ये देखिए कितनी अच्छी लेयर निकली है। और ये देखिए जो इसका जॉइंट है ना, इसको नीचे की साइड हम इस तरीके से दबा देंगे हथेलियों से। अब ये देखिए नीचे कर देंगे, इस तरह से दबा देंगे, जैसे क्या है ना ये खुलेगी नहीं लेयर जो है तेल में जाने के बाद। इसी तरीके से हम देखिए एक और मैं दिखा रही हूँ, जिसका जोड़ है ना ये देखिए, इसको हम नीचे की साइड कर देंगे और इसे हथेलियों से इस तरीके से दबा देंगे। इसी तरीके से हम सभी पेड़ों का कर लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। और बेलते टाइम आप किसी घी या फिर जैसे कि सूखा मैदा होता है वो मत यूज करिए, जितना पतला हो सके आप लोग बेल लीजिएगा, ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए कितनी ही अच्छी पर्दे इसमें से दिख रही हैं। ये देखिए अनगिनत पर्दे हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी पूड़ियों को बेल लिया है। ये देखिए अब तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और मीडियम फ्लेम पे हमको इनको फ्राई करना है। थोड़े से डो को हम इसमें डाल के देख ले रहे हैं। ये देखिए ये गरम हो चुका है, और ये देखिए ये जिस जहाँ हमने जोड़ लगाया है ना उसको ऊपर की साइड हमको रखना है, और एक एक करके हम यहाँ पे सभी पूरियों को डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार में जितनी ही पूरियाँ आएंगी आपकी उतनी ही यहाँ पर डाल दीजिएगा, और तलते टाइम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद इसको हमको पलट देना है। करीब हमें इसे फ्राई करने में 5 मिनट फ्रेंड्स लग जाएगा। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का जब हो जाएगा तब तक हमको इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लेयर मटर जो बहुत ही खस्ता बनती है। तो देखिए फ्राई हो चुकी है, तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लेयर मटरी को निकाल ले रहे हैं, और इधर हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। और फ्रेंड्स एक बार में ज़्यादा मटरी को मत डाल दीजिएगा, जितनी ऑयल होगा ना उसी हिसाब से आप लोग डालिएगा, वरना क्या है तेल में जाने के बाद जो जॉइंट है इसके खुल जाएंगे और ये टूट जाएंगी, और 2 मिनट के बाद ही इसको पलटिएगा। तो ये देखिए टोटल इसे 5 मिनट लगेंगे हमें फ्राई होने में। तो ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा कलर आ गया है। तो हम ये देखिए सभी मटरी को निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स लेयर मटली पूरी हमारी फ्राई हो चुकी है, और ये देखिए इसका जॉइंट क्या है, हमने नीचे से दबाया था तो खुली भी नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स लेयर मटली रेडी हो चुकी है, और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। वीडियो पसंद आए लाइक से